सो हेलो पीपल, मेरा नाम है नवनीत राज और आप देख रहे हैं नव वर्ड। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और रिव्यू करेंगे किंडल को। मैं किंडल को पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मेरा इससे रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आई विल हार्डली रिकमेंड यू कि आप वीडियो को टिल एंड देखें, सो दैट मैं इसमें जितने भी प्रोज एंड कॉन्स किंडल के बारे में बताने वाला हूँ आप उनसे पहले अवेयर हो सके, अगर आप एक किंडल खरीदने वाले हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन स्क्वाड को ज्वाइन करें और हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर की तरफ ले जाए, क्योंकि हम ऐसे ही ग्रेट कंटेंट और वीडियोस के साथ आते रहना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके लिए और अच्छे कंटेंट क्रिएट करते रहना चाहते हैं, और ये हमें बहुत ही सपोर्ट करता है इन होल लॉट बेटर वे। तो विद दैट सेट, लेट्स जस्ट रोल द इंट्रो। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि मैं किंडल को पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो टिल डेट किंडल का क्या एक्सपीरियंस है मैं तो वीडियो में आगे शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किंडल क्या है। किंडल अमेज़ॉन का एक प्रोडक्ट है जो कि एक ई बुक रीडर है। अब ये ई बुक क्या रीडर क्या होता है, ये एक डिजिटल काइंड ऑफ रीडर है जिसमें आप बुक्स रख सकते हैं। एक डिजिटल प्रोडक्ट है जिसमें आप बुक्स को रख सकते हैं। अब ऐसे इसमें क्या ऐसा स्पेशल है, आप तो फ़ोन पे भी पढ़ सकते हो। इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती है, जैसा कि मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इसकी जो स्क्रीन होती है वो ग्लेयर फ्री होती है। जब भी धूप आपके नॉर्मल फ़ोन या फिर टैबलेट पे पड़ता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका फ़ोन या टैबलेट चमकने लगता है, तो आपको वर्ड्स क्लियरली दिखते नहीं है। बट किंडल में ऐसी सीन नहीं होती, ये ग्लेयर फ्री स्क्रीन होता है। ऊपर से जैसे आपके स्क्रीन्स और आपके लैपटॉप्स आपके टैबलेट्स आपके आँखों पे प्रेशर डालते हैं, बट किंडल में ऐसा नहीं होता। किंडल में ये बहुत ही लाइट होता है, यू नो लाइक इसका स्क्रीन बहुत ही हल्का होता है, तो उससे आपके आँखों पे कभी प्रेशर नहीं पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो मेरे पास जो है वो किंडल बेसिक है जो कि 6000 में अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसमें इनबिल्ट लाइट नहीं है, लेकिन इसके अगर आप कुछ अपर वर्जन्स पे जाओगे जैसे पेपर वाइट हो गए, ओएसएस हो गए, तो इन लोगों में बहुत सारे इनबिल्ट लाइट भी है जिससे आप अंधेरे में ही पढ़ सकते हो। अगर मेरे किंडल को आपको अंधेरे में पढ़ना है तो मेरे को एक एक्स्ट्रा लाइट लेके बैठना पड़ता है, जस्ट लाइक एनी अदर बुक। इसमें कोई भी इनबिल्ट लाइट नहीं है। जहाँ तक बैटरी बैकअप की बात है, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि 1 महीने का बैटरी बैकअप है, 20 दिन का बैकअप है, लेकिन अगर आप एक्चुअली पूछोगे, अगर आप कंटिन्यूसली रीड करते हो 4 घंटे 5 घंटे किंडल को, तो उस सिनेरियो में आपका किंडल आपको बैकअप देगा हार्डली 5 दिन। मेरा किंडल 5 दिन देता है। और अगर आप नहीं पढ़ते हो रेगुलर बेसिस पे, तो उस सिनेरियो में स्टैंड बाय के मोड पे आपको 15 दिन किंडल बैकअप दे देता है। और जहाँ तक बात है कि लोग बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि किंडल के बुक्स जो होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, एक्चुअली अगर आप हार्ड कवर के कंपेयर में देखोगे तो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, क्योंकि यूजुअली मेरे पास जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के कंपेयर में उसमें बहुत सारे बुक्स है, लेकिन उससे ज़्यादा बुक्स मैं अपने किंडल में स्टोर करता हूँ। इसके साथ बेनिफिट यही है, अगर आप सारे बुक्स को परचेज कर रहे हो तो फिर वो आपके लिए टफ है। मैं एक बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला यूज़ करता हूँ जिसके मदद से मैं वही सारे बुक्स को हार्निश कर पाता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप जानना चाहते हो कि उन्हें कैसे यूज़ किया जाए तो डू सब्सक्रिप्शन में और कमेंट में जाके मुझे बताएं। मैं अगला वीडियो आपको इसी चीज़ से बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।